हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक मूव गेमिंग चैनल। तो फ्रेंड कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। मेरे भाई आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस फाइनली गेम के अंदर एक न्यू इवेंट आ गया है जिसमें आपको यहाँ पे शूज है ना, शूज सेल है। और ये यहाँ पे ये इवेंट है ना जो कि आज है, जो कि आज यहाँ पे 4 तारीख और यहाँ पे 5 अक्टूबर तक ये इवेंट रहने वाला है। एंड गाइस उसी के बीच में आप यहाँ पे ये सब लेते हो ना तो गाइस आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस नहीं लेते हो ना तो गाइस ये इवेंट है ना जो कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक करते हो ना तो गाइस ये है ना जो कि इवेंट में, तो गाइस आपको सिंपल से ये इवेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और होने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे है ना जूता या पे शूज जो कि आपको सिंपल से डायमंड में यहाँ पे लगने वाला है, मतलब आपको डायमंड देख के यहाँ पे खरीदना पड़ रहा है। तो गाइस इसको आप यहाँ पे फ्री में कैसे परचेज कर सकते हो यहाँ पे देख लो, मेरे पास यहाँ पे नहीं है सब शूज। और गाइस यहाँ पे मैं भी यहाँ पे फ्री में लूंगा। एंड गाइस आपको भी यहाँ पे फ्री में कैसे लेना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एंड आप हमारे चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, फ्री फायर से रिलेटेड इसी तरह के ट्रिक्स एंड ट्रिक की वीडियो आती रहती है। तो फिर आपको भी लेना है शूज फ्री में, तो गाइस क्या क्या करना पड़ेगा आपको? तो गाइस सबसे पहले आपको सिंपल से यहाँ पे करेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे अलोक आपके पास रहना चाहिए, प्लस में आपके पास यहाँ पे जोसेफ और यहाँ पे अलवारा का करेक्टर। तो ये ट्रिक है ना जो कि वर्क कर रहा है। एंड गाइस इस ट्रिक से यहाँ पे बहुत मदद है, यहाँ पे बहुत ही शूज यहाँ पे खरीद लिए है। और गाइस आप भी यहाँ पे खरीद सकते हो। तो गाइस यहाँ पे कैसे खरीदना है यहाँ पे देख लो, आपको सिंपल से यहाँ पे अलोक पे यहाँ पे जाना है। और जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे वोल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको सिंपल से इस तरह आपको सिंपल से कुछ भी यहाँ पे चेंज कर देना है। और करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे नेट को ऑफ कर देना है। तो फिर यहाँ पे ऑफ कर देते हैं नेट को, और करने के बाद आपको भी इसी तरह यहाँ पे चेंज कर देना है जब तक यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन एरर ना आ जाए यहाँ पे कुछ। तो गाइस यहाँ पे आपको भी देख आ गया, तो फिर आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे करना है। और करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे बैक जाना है फिर, और जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और करने के बाद आपको सिंपल से अलवारो कलेक्टर को यहाँ पे ले लेना है, और सॉरी यहाँ पे जोसेफ को लेना है फिर। तो आपको सिंपल से लेने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे नेट को ऑन कर देना है फिर। तो फिर जैसे यहाँ पे ऑन करोगे तो आपको सिंपल से नेटवर्क कनेक्शन एरर आएगा, तो फिर आपको सिंपल से ओके कर देना है। और करने के बाद आपको सिंपल से इस तरह आपको सिंपल से यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से यहाँ पे वोल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पे देख लो यहाँ पे ये करेक्टर है ना जो कि नहीं ओपन हो रहा है, तो फिर आपको सिंपल से यहाँ पे देख लो यहाँ पे बैक कर देना है। और करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे करेक्टर पर जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद यहाँ पे देख लो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद फिर आपको यहाँ पे वोल्ट में जाना है गाइस। और जाने के बाद आपको सिंपल से इसी तरह कुछ चेंज करना है, और करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नेट को ऑफ कर देना है। और करने के बाद आपको सिंपल से इसी तरह यहाँ पे कुछ आपको चेंज करते रहना है। तो फिर यहाँ पे फ्राग से चेंज करते रहते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पे फिर से आगे नेटवर्क कनेक्शन ले रहे हो। तो क्या आपको सिंपल से इस तरह बैक करके कट कर देना है। और करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे चेंज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद आपके पास अलवार ऑफ करेक्टर होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे मेरे पास है और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और करने के बाद आपको क्लिक कर देना है फिर, और करने के बाद फिर से आप यहाँ पे नेट को ऑन कर देना है। तो फिर यहाँ पे ऑन कर देते हैं, और करने के बाद यहाँ पे देख लो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुको, यहाँ पे नेट कनेक्ट हो रहा है तब तक लिए। तो फिर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपल से प्लीज़ सिलेक्ट दिस करेक्टर, आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो फिर आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह आपको लिखा गया तो समझ जाना कि यहाँ पे ये ठीक है ना जो कि वहाँ यहाँ पे वर्क करने लगा। तो फिर आपको इसी तरह करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कट कर देना है। और करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर सेटिंग में जाना है, और जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे देखो अदर्स में जाना है फिर, आपको अदर्स में जाना है। और जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर सेंड रिपोर्ट मतलब क्लिक करके आपको सिंपल से यहाँ पे सेंड रिपोर्ट कर देना है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कर दे रहे हैं यहाँ पे फटाक से, और थोड़ा सा यहाँ पे लोड ले रहा है, और फिर यहाँ पे हो गया। और होने के बाद आपको सिंपल से फिर आपको बैक जाना है फिर, आपको सिंपल से गेम को छोड़, और आपको सिंपल से बैक जाने के बाद आपको सिंपल से थोड़ा सा रोकना, और फिर से फ्री फायर आपको ओपन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ओपन करते हैं मैं फिर से, और करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे स्टोर में जाना है। तो फिर यहाँ पे स्टोर में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टोर वाला ऑप्शन पे। और जैसे आप यहाँ पे शूज वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना तो आपके पास बहुत सारा शूज है ना जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे परचेस हो गया होगा, आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे है ना जो यहाँ पे कुछ शूज अनलॉक हो गया बिना यहाँ पे परचेस किए, बिना यहाँ पे डायमंड
बन दिए। तो फिर यहाँ पे देखते हैं किधर है, तो फिर यहाँ पे देखो नीचे मेरे पास है ना ये सब जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देख लो मैं इसको परचेस कर लिया। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन एरो, यहाँ पे एक बग है जो कि यहाँ पे आप इस तरह पे खरीद सकते हो, जो कि यहाँ पे स्विच जो कि काफ़ी ओपी है यहाँ पे स्विच मेरे को यहाँ पे मिल गया गाइस। आप इसी तरह ट्राई करके यहाँ पे खरीद सकते हो। यहाँ पे देख लो मैं बहुत यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे स्विच है जो कि यहाँ पे अनलॉक कर लिया है गाइस। आप इसी ट्रिक को यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो और ये ट्रिक है ना जो कि 101% यहाँ पे वर्क करने वाला है। यहाँ पे देख लो बहुत सारा मैं जूता यहाँ पे खरीद लिया गाइस, आप भी इसी तरह यहाँ पे ले सकते हो। तो जैसा करती है वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो गाइस यूजफुल होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करना एंड जो भी बंदे चाहे पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फ्री फायर से रिलेटेड इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो आती रहती है।